हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी लगातार नहीं चल सकता है। अच्छा लगातार मंथली 1300 रुपया लगेगा, क्या जरूरत है? क्योंकि 1 मिनट के लिए क्या जरूरत है 1300 रुपया देना? थोड़ा सा 1 मिनट वेट करके फिर ज्वाइंट हो जाइए, फिर 1 मिनट कर ज्वाइंट हो जाइए, सारा दिन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गया ना? आजकल पूजा माता जी कहाँ है? पूजा कौन माता जी अच्छा पता नहीं, नहीं आते। रामाता विभा माता जी को भी नहीं आ रही है आपकी? जी आएंगे, शायद कुछ प्रॉब्लम चल रहा है घर में, इसलिए। आज ये माता जी गायब हैं, आज वो माता जी गायब हैं। नंदकेश्वरी माता जी गायब है। हाँ, हो सकता है अपनी माँ माँ को देख रहे हैं ना, तबीयत खराब है उनकी माँ का। विमा माता जी क्यों नहीं आ रहे हैं? प्राण मोहन प्रभु जी, ठीक कहा, हाँ घर में कुछ प्रॉब्लम है प्रभु जी। राकेश राय है ना, हाँ आर के राय, उनके भाई, वो आए थे लेकर के, हॉस्पिटल गए थे वो लोग। हाँ पता नहीं किस कारण से गए थे, क्या कारण है मुझे पता नहीं। वही मैं भी सुना कि कोई लड़की गायब है, 3 दिन से गायब क्या है, हो गया? अच्छा कोई लड़की शायद गायब है, गायब। अच्छा भूमिका की जो फ्रेंड है वो शायद गायब है, या घर छोड़ के भाग गई है, इसीलिए ऐसा ही कुछ है। नहीं पता, फिर मुझे भी पूरा पता नहीं है, नहीं माता पता। मुझे बोल रहे थे, अभी क्या है घटना वो तो मुझे भी नहीं पता। चलिए, हम सभी भक्तगण थोड़ा प्रार्थना करते, हरे कृष्ण महामंत्र एक साथ करके, ताकि वो लड़की जो अगर किडनैप हुआ है या घर से भाग के तो घर चले आए, माता पिता बहुत रो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक साथ प्रार्थना करते हैं, अनम्यूट करके सभी एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कितना कृष्णा हरे कृष्णा 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 कितना हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ठीक है। चलिए, हम लोग राधा माधव से यही प्रार्थना करेंगे, ताकि एक जवान बेटी घर से गायब है तो आ जाए, जहां भी हो भगवान उनकी रक्षा करे, नृसिंहदेव उनको ले आए घर में, या खुद ही घर छोड़ के गए हैं वो, यही कौन, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, खैर जो भी, हम लोग भगवान के ऊपर उसको छोड़ दिए, कृष्णा देखेंगे। हम लोग एक साथ मिलकर जब भगवान को प्रार्थना किए तो कुछ तो प्रभाव होगा ही। जब राष्ट्रपति भवन में अकेला व्यक्ति जाके चिल्लाता है कि मुझे ये चाहिए, मेरे गांव में रोड दीजिए, एक नलकूप दीजिए, एक चापाकल, तो राष्ट्रपति नहीं सुनेंगे, लेकिन जब 100 लोग एक साथ बैठकर धरना देंगे तो राष्ट्रपति को सुनना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान को हम लोग अकेले प्रार्थना करेंगे तो मैं भी नहीं सुन सकता उनकी इच्छा, लेकिन एक साथ में करेंगे तो सुनेंगे। तो 13 नंबर श्लोक है, तत्र तत्र उपसृण्वान् स पूर्वेषां महात्मनां, वर्गीयमासं च यस्य कृष्ण महात्म सूचकम्, आत्मानं च परित्रात्मा श्रद्धामनस्त्र तेजसा, स्नेहं च विष्णु पार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे, तेभ्य परम संतुष्ट पितु जिनभीर्त लोचना, महादहानी वासांसी ददोहारान महामना।
अनुवाद और तात्पर्य राकेश प्रभु जी पढ़िए तो। जी प्रभु जी, राजा जहां कभी भी जाते हैं उन्हें निरंतर अपने अपने महान पूर्वजों का यशोगान सुनने को मिलता, जो सभी भगवतम थे तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती है। वे यह भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग विष्णु तथा प्रथा तथा विषयों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी अभिलेख करते, क्योंकि प्रथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदाहरण वंश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। तात्पर्य तथा राज्य के बड़े बड़े लोग को स्वागत के संबोधन संबोधन द्वारा मान दिया जाता है। यह प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है। महाराजा परीक्षित तो विश्व के विख्यात सम्राटों में से थे, अतएव वे विश्व के जिन जिन स्थानों में जाते थे वहां उनको मानपत्र दिया जाता। इन संबोधनों के विषय होते हैं कृष्ण, कृष्ण का अर्थ कृष्ण तथा उनके उनके सनातन भक्त, जिस तरह राजा का अर्थ होता है राजा तथा उनके विश्वपात्र दरबारी गण, कृष्ण तथा उनके अन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता। अतएव भक्त के योगासन का अर्थ है भगवान का यशोगान और भगवान के यशोगान का अर्थ भक्त का यशोगान महाराजा परीक्षित को अपने पूर्वजों महाराजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यशोगान सुनकर इतनी प्रशंसा न होती यदि वे सब भगवान कृष्ण के कार्यकलापों से जुड़े न होते। भगवान अपने भक्त का उद्धार करने के उद्देश्य से ही अवतरण होते हैं। भक्तगण भगवान की उपस्थिति से ही महिमा मंडित हो जाते हैं, क्योंकि वे भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना लक्षण भर भी नहीं रह सकते हैं। भक्तों के लिए भगवान अपने कर्तव्य कार्यों तथा महिमा से उपस्थित रहते हैं। अतएव जब भगवान के कार्य द्वारा उनका यशोगान किया जा रहा था तो उन्हें भगवान की उपस्थिति का हुआ। विशेष रूप से जब भगवान ने माता के गर्भ में ही उनकी रक्षा की थी। भगवान के भक्त कभी संकट में नहीं होते, किंतु भौतिक जगत में वे ऊपरी तरह से भयावह परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि यह जगत पद पद पर संकटों से भरा हुआ है। अतएव जब भगवान कृष्ण द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो भगवान का यशोगान किया जाता है। यदि पांडव जैसे भक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में फंसे ना होते तो भगवान कृष्ण कभी भी भगवद गीता के उद्घोष के रूप में महिमा मंडित न किए जाते। स्वागत अधोगोष उद्बोधन में भगवान के ऐसे समस्त कार्यों का उल्लेख था। अतएव महाराजा परीक्षित ने पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ऐसे मानपत्र भेंट करने वाले को पुरस्कृत किया। आज के तथा उनके स्वागत संबोधन करने में ही अंतर है। अतः
कि प्राचीन समय में महाराजा परीक्षित जैसे व्यक्ति को ही ऐसे संबोधन भेंट किए जाते थे, ऐसे उद्बोधन तथ्यों तथा आंकड़ों से भरे होते थे, और जो इन उद्बोधनों को भेंट करता था वह प्रचुर पुरस्कार पाता था। किंतु आजकल जो स्वागत उद्बोधन भेंट किया जाता है उन्हें वास्तविक आंकड़े नहीं रहते, वह किसी पदाधिकारी को प्रसन्न करने के लिए भेंट किया जाता है और प्राय चापलूसी से भरा हुआ रहता है, और शायद ही ऐसा मान भेंट करने वाला कभी कोई पुरस्कार पाता हो। बहुत सुंदर। तो हम लोग इस श्लोक में देख रहे हैं, एक साथ में तीन श्लोक का वर्णन बना आपका 13, 14, 15 एक साथ में। इस श्लोक में बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज जो अपने जीवन में पांचों पांडव जो अपने जीवन में जो जो क्रियाकलाप किए, तो परीक्षित महाराज जहां जहां जाते थे उनके पूर्वजों का इस प्रकार जसोगान सुनने को मिलता, और वो सब के सब भगवान के महान मान भक्त थे। तो भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती, वो ये भी सुनते कि किस तरह स्वयं अशस्त्रमान के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। अर्जुन की कार्यकलाप तो सुनते ही थे, अर्जुन के, पांच पांडव के, भगवान श्री कृष्ण के, साथ साथ में परीक्षित महाराज के खुद के जीवन का भी कृष्ण संबंधित लीला सुनते थे कि किस प्रकार परीक्षित महाराज को मारने के लिए अशस्थमा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए और उनकी रक्षा की, परीक्षित महाराज को बचाए। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनकी ख्याति कभी भी कम नहीं होती। जो भक्त होंगे वही भगवान की कथा या भगवान की महिमा को मतलब ज्यादातर उनका वैल्यू देंगे या उनकी महिमा कीर्तन करेंगे। जो अभक्त है उनके साथ कृष्ण के साथ क्या लेना देना है उनका, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो परीक्षित महाराज ये सब श्रवण करके, ये सब देख के बहुत ही आनंदित होते थे कि लोग वृष्णि तथा पृथ्वी वंशियों के मध्य इत्यादि स्नेह का भी उल्लेख करते कि किस प्रकार कुंती महारानी को भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देते थे, क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी मतलब कुंती का नाम है पृथ्वी, भगवान के सब अर्थात कृष्ण के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थे। तो महाराज परीक्षित ने ऐसे जसोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली, उदारता पूर्वक उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। ठीक, तो देखिए जिस घर में, जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने हरि कथा सुना रहा हूँ, लेकिन इन सब के पीछे मेरे नाना जी कहाँ थे? वो सपना देखे थे कि मैं एक अच्छा भक्त बनूं, सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति की कथा को सुनाऊं, उनका सपना था। और देखिए उनका सपना कैसे फलीभूत हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, उन लोगों का ऐसा सपना था कि हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो भगवान का भक्त बने, अच्छा राज्य किए, अच्छा राज्य करना चाहिए ताकि अपने पूर्व को याद करे। क्योंकि इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, एक व्यक्ति के इंस्पिरेशन मिलता है सबसे पहले अपने परिवार से, अपने फैमिली बैकग्राउंड से। जैसे एक व्यक्ति मीट मछली नहीं खाता, रसून प्याज भी नहीं खाता, क्यों? क्योंकि उनका परिवार में नहीं चलता, लेकिन वो जब बाहर जाते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, तो फिर भी वो उससे डरते हैं, नहीं खाते है। क्यों? क्योंकि उसको संस्कार मिला है अपने परिवार से। तो प्रेरणा हो, संस्कार हो, सब पहले अपने परिवार से मिलता है, बाद में मिलता है हमारे इस्कॉन के यूथ लेक्चरर, जब यूथ प्रीचिंग होता है तो बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एमआईटी जाके प्रचार प्रसार करते, तब बच्चा भक्ति में आते हैं। लेकिन फिर भी सभी बच्चा थोड़ी आते हैं, एक कॉलेज में तो लाखों की संख्या में रहते हैं, हजारों की संख्या में लड़के लड़की रहते हैं, तो सभी थोड़ी भक्ति में आते हैं। बल्कि जो परिवार में कुछ थोड़ा बहुत संस्कार मिला है
यहाँ पर आके वो प्रकाशित होता है, डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो परीक्षित महाराज ये जो उनको जो संस्कार मिला है अपने पूर्वजों से, इसलिए वो भी उसी भक्ति पथ में है। ठीक है, तो ये जो प्रथा है, क्या प्रथा, कि राजाओं तथा राज्य के बड़े बड़े लोगों का स्वागत के संबोधनों द्वारा मान दिया जाता है। जैसे होता है ना, महाराज युधिष्ठिर की, महाराज दशरथ की, महाराज अम्बरीश की, लंकापति रावण की, हिरण्यकशिपु की, ये जो मान जो है, सम्मान जो होता है ना, जब कोई कहीं पर जाते हैं तो उनके नाम से संबोधन किया जाता है। ठीक है, ताकि उनका मान बढ़े, वही रियल संबोधन। तो ये परीक्षित महाराज जहां जहां जाते थे, तो उस समय परीक्षित महाराज को लोग ऐसे बोलते थे, महाराज परीक्षित की, अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित की, अर्जुन के उत्तराधिकार महाराज परीक्षित की, इस प्रकार जसोगान करते थे लोग। तो बहुत ही आनंद मिलता था परीक्षित महाराज को ये सब सुनने में। अरे आनंद लगेगा, आप मान लीजिए कुछ अच्छा काम किए और अगर कोई व्यक्ति बोले कि वाह इतना सुंदर काम किए, धन्य है वो माँ जिसकी कोख से तुम्हारा जन्म हुआ, जब ऐसे बोलेंगे तब कैसा लगेगा मन माता पिता को, या हमारे उत्तराधिकारी अगर कोई मतलब ये करे तो कितना अच्छा लगता है। ठीक है, उमा शंकर प्रभु मतलब वीडियो ऑफ करते हैं लेकिन सुनते हैं ध्यान से, इससे पता चल रहा है। ठीक है, तो ये सबको अच्छा लगेगा जब कोई बोलते है कि धन्य है वो माँ जिसकी कोख से। मैं सुनते सुनते क्या किया तो देखिए यार, अच्छा बर्तन मांजे, बहुत सुंदर, भगवान कृष्ण पूजा का बर्तन मांज लिया, सुंदर, अति सुंदर। आपका जीवन सार्थक है प्रभु जी, जो कृष्ण का भक्त होता है उसका जीवन सार्थक है, वो कुछ भी करे कृष्ण उसके ऊपर प्रसन्न होते। तो महाराज परीक्षित तो विश्व के विख्यात सम्राटों में से एक था, अतवे वो विश्व के जिन जिन स्थान में जाते वही उनको मान पत्र दिया जाता, सम्मान पत्र। इन संबोधनों के विषय में होते थे कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है कृष्ण तथा उनके सनातन भक्त, जिस तरह राजा का अर्थ होता है राजा तथा उनके विश्वास पात्र दरबारी का। परीक्षित महाराज सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि भगवान के नाम से उनको संबोधन किया जाता है, कृष्ण भक्त परीक्षित महाराज की, ऐसे संबोधन किया जाता है। ये कितनी बड़ी बात है, कोई कोई मुझसे बात करते हैं फोन में, हरे कृष्ण प्रभु जी मैं जगन्नाथ देवदास मायापुर से, बोले प्रभु जी आप तो साक्षात जगन्नाथ है, ऐसे बोलते हैं, अब भगवान के कितने निकट है, मायापुर धाम में वास करते हैं। तो देखिए मेरे नाम के साथ साथ भगवान को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो इसमें मन और अच्छा लगता है। तो परीक्षित महाराज को सिर्फ इसमें अच्छा नहीं लगता कि तुम तो राजा हो, सम्राट हो, पूरा पृथ्वी के मालिक हो, जब कोई बोलते है कृष्ण भक्त महाराज परीक्षित की, तब और आनंदित होते। ठीक है, तो कृष्ण जो है ना तथा उनके अनन्य भक्त, ये दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे राजा, राजा मतलब सिर्फ एक अकेला एक राजा नहीं, राजा मतलब पूरा सभा, मंत्री, राज्यपाल, द्वारपाल, सैनिक, ठीक है, सब मिलकर एक राजसभा, वहां पे राजा का सम्मान, अकेले में कोई किसको। उसी प्रकार कृष्ण जो है ना, वो भी अपने सांग पांगस्त्र पार्षदम अपने भक्तों के साथ वो रहते हैं। अतवे भक्त के जसोगान का अर्थ है क्या, कि भगवान का जसोगान और भगवान के जसोगान का अर्थ थे भक्त का जसोगान, कि भक्त जो भी बोलते हैं कृष्ण के बारे में बोलते हैं और कृष्ण जो भी बोलते हैं अपने भक्त के बारे में बोलते हैं। तो परीक्षित महाराज को अपने पूर्वज अर्थात महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का जसोगान सुनकर इतनी प्रसन्नता न होती यदि वे सब भगवान कृष्ण के कार्यकलापों से जुड़े न। ऐसे में हम लोग जानते हैं ना कि अरे मेरा पिताजी ऐसे किया था, मेरा चाचा जी ऐसे किया था, लेकिन नहीं, परीक्षित महाराज का रोल अलग है। परीक्षित महाराज प्रसन्न होते क्यों,
क्योंकि उसमें कृष्ण जुड़ा हुआ था, क्योंकि सभी कृष्ण के महान भक्त थे पांचों पांडव। तो भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। हम लोग भगवत गीता में जानते परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् आते हैं, तो भक्तों के जसोगान करते हैं। ठीक है, तो भक्तगण भगवान की उपस्थिति से ही महिमा मंडित होते। एक वीडियो ऑफिस का जो सरकारी नौकर है अर्थात जो ऑफिसर है उनका वैल्यू क्यों है उतना, क्योंकि वो सरकारी नौकर है, सरकारी ऑफिसर। सिर्फ ऑफिसर नहीं, सरकारी वहां पे शब्द लग जाता, सरकारी ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर। उसी प्रकार भक्त जो है ना, भक्त इतना महिमा मंडित क्यों होते हैं, क्योंकि भक्त भगवान से संबंधित है, भगवान के भक्त, सरकारी ऑफिसर। ठीक, तो इसीलिए भगवान भक्तों के लिए भगवान अपने कार्यों तथा महिमा से उपस्थित रहते हैं। अतः जब भगवान के कार्यों द्वारा उनका जसोगान किया जा रहा था तो उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव हुआ, विशेष रूप से जब भगवान ने माता के गर्भ में उनकी रक्षा की थी। ठीक है, तो भगवान के भक्त कभी संकट में नहीं होते, किंतु भौतिक जगत में वो पूरी रूप से भयावह परिस्थिति में पड़ जाते हैं, क्योंकि जगत पद पद पर संकटों से भरा हुआ है। पदम पदम जद विपदम, ये जगत जो है ना पूरी तरह से भरा हुआ है संकट, लेकिन जो भक्त होते हैं उनके लिए संकट कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर से ऐसा लगता है बाहरी लोगों के लिए। तो तब जब भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो भगवान का जसोगान किया जाता है। यदि पांडव जैसे भक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में फंसे ना होते तो भगवान कृष्ण कभी भी भगवत गीता के उद्घोषक के रूप में महिमांडित न किए होते, है ना। अगर अर्जुन पांचों पांडव लोग अगर मान लीजिए ये सब प्रॉब्लम में ना फंसते तो क्या जरूरत था भगवत गीता को उपदेश करने का, अर्जुन को जरूरत था नहीं। तो भगवान के ऐसे समस्त कार्यों का उल्लेख था, तब महाराज परीक्षित ने पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ऐसे मानपत्र भेंट करने वालों को पुरस्कृत किया। आज के तथा तब के स्वागत उद्बोधन करने में यही अंतर है। प्राचीन काल प्राचीन समय में क्या होते, महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति को ही ऐसे उद्बोधन भेंट किए जाते थे। ऐसे उद्बोधन तथ्यों तथा आंकड़ों से भरे होते थे और जो इन उद्बोधनों को भेंट करता था वह प्रचुर पुरस्कार पाता था। तो आजकल तो स्वागत से उद्बोधन भेंट किया जाता है उसमें वास्तविक आंकड़े नहीं रहते, वो किसी पदाधिकारी को प्रसन्न करने के लिए भेंट किया जाता है और चापलूसी से भरा हुआ रहता है। अरे महाराज अर्जुन मुंडा जी, बाबूलाल मरांडी जी, आप तो कितने महान हैं, आप तो दाता है हमारा, आप कितने महान हैं, चापलूसी बटरिंग किया जाता है। लेकिन पूर्व काल में रियल तथ्य को तथ्य का प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, इस प्रकार हम लोग 11, 12, 13, 14, 15 पांच श्लोक के ऊपर डिस्कस किए आज। अगर किसी भक्त के मन में किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, एनी क्वेश्चन? किसी का प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जम्बू द्वीप जो बोलते हैं जम्बू द्वीप, हाँ, ये तो भारतवर्ष ही जम्बू द्वीप है ना? हाँ जी। और लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि जम्बूद्वीप सिर्फ भारतवर्ष से, भारत से कन्याकुमारी पृथ्वी इससे भी बड़ा है, वो भी कहाँ है कैसे वो हमारी आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि सभी अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्राणी। अभी अभी बोलेंगे अब मुझे तुरंत अमेरिका जाना है, आप नहीं जा सकते जब तक वीजा पासपोर्ट तैयार ना हो, चाह के भी नहीं जा सकते, बल्कि आप भी मनुष्य है, अमेरिकन लोग भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य, लेकिन आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो उसी प्रकार कि जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप मतलब भारतवर्ष में जम्बूद्वीप, लेकिन फिर भी जम्बूद्वीप बड़ा है। ठीक है, ये सब नहीं समझ, मैं खुद नहीं समझता। ठीक है, ये वेरी वेरी डिफिकल्ट है प्रभु जी, ये पूरा पृथ्वी। उमाशंकर प्रभु जी दामोदर अष्टकम कर रहे क्या?
नहीं, दीपक दिखा रहे हैं ना, दीपक दम ठीक है, बहुत सुंदर। पूजा घर में दीपक दिखा रहे हैं, ओ प्रभु जी देखिए। और किसी का तुलसी माता को, तुलसी माता को दीपक दिखाते हैं। और किसी का कुछ प्रश्न है, नहीं तो बांछा कल पुत्र करेंगे, मंदिर जाना है दामोदर स्टक्कर में। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। और प्रमानंद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।